अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद आज एक नए सेशन के साथ, नए केस के साथ। ये एक बफेलो है आपको दिखा रहे हैं। ये एक केस हमारे पास प्रेजेंट किया गया है। ये देखें, इसमें इसका गेट जो है, इसका जो पिछली टांगे आप देखें लड़खड़ा कर चल रही है। इसकी हिस्ट्री में आपको बता रहे हैं, कंप्लीट हिस्ट्री में ये है कि ये लॉस्ट 10 डेज से, ये 10 डेज से जानवर डे बाय डे ये एनेमिक होता रहा है, कमज़ोर होता रहा है। इसका वेट लॉस भी हो रहा है और ये जानवर जो है किस टाइम थोड़ा बहुत जो है खा लेता है, फीडिंग करता है, और मोस्टली इसकी जो स्किन है वो भी रेडिश हो गई है। आपको ये दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं इसकी, हम बार बार इसको चला के दिखा रहे हैं ताकि हमारे वेट्स को, हमारे फार्मर्स को, हमारे पैरावेट्स को ये चीज़ और इसके सिम्टम्स देख लें, ये क्या डिज़ीज़ है, हमने कैसे इसको डायग्नोस किया है और कैसे इसकी ट्रीट की है वो भी आपको बताएंगे। ओनर बहुत परेशान था इसका। ये केस है, सस्पेक्टेड केस है, ये ट्रिपनोसोमियासिस का है। इसमें तमाम पैरामीटर्स जो है वो ट्रिपनोसोमियासिस के बता रहे हैं। ये 14 से लेकर 13 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं आपको ट्रिपनोसोमियासिस एवेंसाई या विवेक्स में आपको मिलेंगे। ये आपको दिखा रहे हैं इसकी वल्वा को, ये बहुत ज़्यादा एनेमिक है, भैंस ज़्यादा एग्रेसिव भी है। इसमें आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे उसमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर रहता है, कभी कभार कॉर्नियल ओपेसिटी भी रहती है, हैवी लंग साउंड भी रहता है, और अगली टांगें जो हैं वो हार्ड रहती हैं और पिछली टांगें जो हैं वो ठंडी रहती हैं। कभी कभार चारों टांगों में स्वेलिंग हो जाती है और हैवी लंग साउंड जो है ये भी इसमें होता है। कभी कभार ग्लोसी फेरेंजियल नर्व जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी केसेस हमें मिलते हैं फील्ड कंडीशन में। ये सारे सिम्टम्स अगर किसी एक ही एनिमल्स में नहीं मिलते हैं, किस में 2 मिलते हैं, किसी में 4 मिलते हैं, किस में 6 मिलते हैं, तो ये सारे अगर आप इस सारे सिम्टम्स में नहीं जाने की ज़रूरत है। इसके 3-4 जो मेन जो सिम्टम्स हैं जिसमें अनकोऑर्डिनेशन जो है, इसका गेट जो है एबनॉर्मल, और जानवर एनेमिक होना, और जानवर में जो है कभी कभार जो है एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग आती है नाक में से, और जानवर डे बाय डे वीक हो जाना, कभी कभार 2-4 केजी तक फीडिंग करना, और ज़्यादा ड्राई मैटर को लाइक करना। ये सिम्टम्स जो हैं अगर किसी एनिमल्स में आते हैं या देखते हैं तो ये कन्फर्म समझें। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस भी आप पर मैं आपको बता रहा हूँ, उस बेस पर आपको बता रहा हूँ कि ये एनिमल्स मोस्टली जो है प्रोटोजोन डिजीज़ और वो भी ट्रिपनोसोमियासिस में होते हैं। तो काफ़ी हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी इनकी हम अगर हिस्ट्री लेते हैं, काफ़ी मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स भी लगाते हैं क्योंकि इसमें पायरेक्सिया भी होता है। टेम्परेचर जब हाई राइज रहता है
तो फार्मर्स भी परेशान रहता है, जानवर का वेट लॉस भी हो जाता है, इसकी स्किन भी रेड हो गई है, वो भी आपको रीज़न बताएंगे इसका क्या रीज़न हो सकता है जिससे जानवर एनेमिक ज़्यादा होता है। क्योंकि ब्लड की लाइसिस होती है, जानवर की हेमोग्लोबिन जो कम हो जाती है, उसमें एनिमल्स जो है वो वेट लॉस भी करता है, मिल्क की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके एनिमल्स में साइंस या सिम्टम्स शो करती हैं तो कंफर्म समझें ये केस ट्रिपनोसोमियासिस का है। अब इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से इसके प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे, अगर हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो वेट्स हैं, इसको प्रॉपर डोज अगर नहीं दिया फिर भी आपका एनिमल्स जो है, आपका जो एनिमल्स हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकता है, फिर से दोबारा से जो है जानवर डाउन हो जाता है, फिर से खाना छोड़ देता है, फिर से बीमार हो जाता है, तो आपको किस तरीके से इसका प्रोटोकॉल देना चाहिए वो आज आपको इसको कंप्लीट आपको उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे। ये आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट के बाद की वीडियो है। जानवर सेकंड डे पे 70% रिकवर हो गया है और उसके बाद जो है जो हमने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल दिया है वो भी आपको बताएंगे, हमने इसको क्या इंजेक्शन दिया है। इसमें जो हमने सबसे पहले जो है ड्रग ऑफ चॉइस इसकी जो है ट्रिपनोसोमियासिस में है जो है डायमेनाजीन एसीचुरेट है। डिफरेंट कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हर किसी कंट्रीज़ की अपनी कंपोजिशन होती है और मुख्तलिफ कंपोजिशन के इंजेक्शन भी आते हैं, जहाँ कहीं हर किसी का अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से। हमारे पास पाकिस्तान में जो है डायमेनाजीन आती है जो 35 mg/ml होता है। दूसरा इसमें जो आती है वो प्रोनेल के नाम से आती है, उसमें 105 mg/ml होता है। तीसरा जो है प्री प्रोटोसिड के नाम से प्रिक्स की आती है ड्रग, जिसमें कंपोजिशन डायमेनाजीन एसीचुरेट होता है 105 mg/ml होता है। तो हमने इसमें जो इंजेक्शन दिया है वो प्री प्रोटोसिड दिया है, वो 42 ml 400 kg के हिसाब से हमने इसको दिया है। उसके साथ साथ हमने इसको डेक्सामेथाजोन दिया है 1 mg/kg के हिसाब से, साथ साथ हमने 20 mg/kg के हिसाब से हमने ऑक्सी टेट्रासाक्लिन जिसमें ऑक्सरा एले दिया है। ये सारी चीज़ें देने के बाद ये जानवर जो है आप देख रहे हैं, साथ साथ हमने इसको न्यूरोबैन भी दिया है, ये जानवर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।